सो हे गाइस, दिस इज मोस्ट सचिन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसमें हम बात करने वाले हमारे यूएफएम को किस प्रकार से ठीक करेंगे, राइट। थंबनेल एंड टाइटल से आप सभी को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करने वाले। काफी बच्चों का कल जब मैंने वीडियो डाली थी कि आपके टेस्ट आ गए, हमारे जो लाइव सेशन हुआ था उसमें काफी बच्चों का डिमांड था कि भैया हमारा जो यूएफएम आ गया उसको किस प्रकार से ठीक करना है, एंड ये क्यों आया है, कितनी वार्निंग की वजह से आया, इस बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, आप रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे ये एडमिशन नोटिस पे क्लिक करोगे, एंड उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का ये वाला एडमिशन खुल जाना है। इस पे क्लिक करोगे, राइट, इस वाले पे, ठीक है, सेकंड वाले पे। एंड यार यहाँ पे आपका इस सारे इन सभी बच्चों का आपका क्या है, 19 पेजों का आपके पास ये है, ठीक है, सारी डिटेल्स है जो कि आपके यूएफएम वाले बच्चे है, ठीक है। अब ये काफी बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भैया ये यूएफएम किस क्यों आया है, एंड आने वाले समय में जो सीईटी वाले बच्चे हैं उनको भी ये डाउट है कि भैया ये यूएफएम आता क्यों है, किस वजह से आता है, राइट। तो यहाँ पे जानते हैं, एंड यार इसके लिए हम एक व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते हैं जिसके कारण की वजह से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए, राइट। तो सबसे पहले बता देता हूँ ये यूएफएम आता क्यों है, ठीक है। यूएफएम आता है यार आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हो। कितने बार काफी बच्चे का ये होता है कि भैया हमारे पास 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हमारे पास जो है वो वार्निंग आ चुकी है, राइट। तो काफी एन प्लस में काफी यूट्यूब चैनल पे ये भी बोला जाता है, या काफी जो सीनियर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास 5 से 6 बार या 3 से 4 बार अगर आपके पास वार्निंग आ जाती है आपके दौरान, आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसके दौरान अगर आपके पास वार्निंग आ जाती है इतनी, तो आपका जो है ये यूएफएम आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे उन सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास 3 से 4 बार या 5 बार 6 बार जितनी बार भी वार्निंग आती है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं, आपका ये जो यूएफएम आने का मतलब है अनफेयर मींस जो आपका होता है, ठीक है, अनफेयर मींस आने का प्रॉब्लम ये है। देखो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ वार्निंग वाले बच्चों का नहीं आया, यहाँ पे ये उन बच्चों का भी आया जिनका एक बार भी वार्निंग नहीं मिली थी, ठीक है, एक बार भी वार्निंग नहीं मिली थी, और उन बच्चों का भी यूएफएम आया इस बार, ठीक है, और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। तो ऐसा क्यों आता है भैया, देखो ऐसा इस कारण की वजह से आता है यार। देखो सबसे पहले बता दूं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करने के बाद ही ये यूएफएम आता है, ठीक है। यहाँ पे अब रूल्स एंड रेगुलेशंस किस प्रकार से, भैया देखो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी का क्या, वहां पे दो चीज खुली थी आपकी कैमरा, ठीक है, कैमरा खुला था और आपका माइक खुला था, ठीक है, आपका माइक खुला था। इन दोनों के अंदर जो भी चीज आपके रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है, और उस रिकॉर्डिंग में जो भी आपका अनफेयर मींस मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो नहीं करा आपने, ठीक है, अगर बाय चांस भी नहीं हुआ, मतलब फॉलो हो नहीं, आप सारे चीजें फॉलो कर रहे थे एंड फिर भी बाय चांस हमारा पास फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, एंड गलती से हमारा क्या माइक में किसी की आवाज आ गई, कुत्ते भूखने की आवाज आ जाती है जैसे, ठीक है, या फिर कोई और भी नॉइस आ जाती है, ठीक है, या फिर किसी के पेरेंट्स का कुछ आ जाता है या बर्तन आपका पटकने की आवाज आ जाती है, तो इस प्रकार से जो है ये सारे माइक नॉइस होता है। एंड यार आपका कैमरे की बात करें तो किसी का आपका सर आ जाता है, किसी का हाथ आ जाता है, कोई अगर पेपर दे रहा है किसी का एक ही रूम है तो उसका क्या होता है कि उसका घर में कोई पेरेंट्स आता है तो आगे पीछे चलते रहते हैं, तो वो क्या है वो कैमरे में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितनी भी सारी चीजें होती है वो आ जाती है अनफेयर मीन्स में, ठीक है, ज्यादातर आ जाती है, ठीक है। इस 80 से 90% चांस है कि इन्हीं सब केसेस में आप सभी का यूएफएम आता है, ठीक है, वार्निंग पे नहीं आता है। अब वार्निंग क्यों आती है भैया, देखो वार्निंग इस कारण की वजह से, देखो जितनी भी एआई सिस्टम के ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं ना, जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में 2-3 बार 3-4 बार आपका जो है वो अनफेयर मींस मतलब कि अनफेयर मींस कह रहा हूं वार्निंग आना आम बात है, आपका रेड अलर्ट आना आम बात है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और काफी बच्चे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो आगे पीछे अगर सर हिलाएंगे, ठीक है, वो अगर आगे पीछे सर हिलाएंगे तो वो अपने आप वो वहां पे वार्निंग्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इस तरीके से वो सिस्टम फीड होता है कि अगर आप जरा सा भी सर हिलाते हैं तो आपका वहां पे वार्निंग आ जाएगा, ठीक है, यहां पे। बट ऐसा क्या है कि यहाँ पे जो है आपका ये वाली चीजें जो है, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये यूएफएम को हमें किस प्रकार से ठीक करना है, ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई भाई, अनफेयर मींस आ गई, अब भगवान जाने कैसे आ गई, ठीक है, वो तो हमें चल गया पता चल, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो यूएफएम आया वो किस प्रकार से है, क्यों आया है हमारे पास, राइट। तो वो तो हो गया, बट अब हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप ज्यादा चांसेस में जो अगर होता है फर्स्ट स्टेप, तो आप क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, ठीक है, जो एकदम प्रूवन वे है मैं वही सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ठीक करा जा सकता है। एंड यहाँ पे लास्ट टाइम की अगर बात करें तो काफी बच्चों का लास्ट ईयर हमारा ठीक हुआ था यूएफएम, ठीक है, यूएफएम हमारा लास्ट टाइम काफी बच्चों का ठीक हुआ था। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है मतलब कि फर्स्ट जो आपका चांस होता है, फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं, वो आप मेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉल करके पूछते हो, अगर आप कॉल करके पूछते हो तो यार उनको लगेगा कि नहीं ये अब ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, जितना भी
वहाँ पे वो अगर फोन उठाते हैं डीएसओ वाले हेल्प डेस्क वाले तो कहेंगे इनफॉर्मेंस आपका ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक हो सकता है अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो और दिल्ली में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, अगर दिल्ली में ट्रैवल कर सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैवल करने का थोड़ा बहुत कारोबार का थोड़ा सिस्टम बना दिया मैंने। अगर दिल्ली में अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो आपका क्या करना है, जो आपका द्वारका वाला कैंपस है, जो मेन आपका कैंपस है डीएसयू का, ठीक है, द्वारका का कैंपस है मेन डीएसयू का, वहां पे आप सभी को जाना है। एंड वहां पे सबसे पहले क्या लेगा, आपका आईडी पासवर्ड, ये सारी चीजें लेके जाना, आपको आईडी हो गया, आपका पासवर्ड हो गया और आपका जो आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी नंबर, ठीक है, ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज आप सभी का याद रहना चाहिए, ये सारी चीजें लेके जाना। और हमारे पास एक जो प्रोफाइल आपको होता है, आपका अगर डैशबोर्ड में अगर ओपन करोगे तो आपको जो प्रोफाइल निकलती है उसको आप प्रिंट करवा के ले जाना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये तीन से चार चीजें हैं जो कि आपको ले जानी पड़ेगी। और अगर ये ले जाते हो तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे हेल्प डेस्क का जो रूम है, ठीक है, वहां पे अगर आप जाओगे हेल्प डेस्क का जो रूम है, ठीक है, वहां पे अगर जाओगे तो हेल्प डेस्क का जो रूम है यार, वहां पे जाके आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है आपकी चेक हो सकती है, जो आपकी उस दिन जो 8 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई थी वो सारी चीजें वहां पे सेव हो जाती है, ठीक है, वहां पे क्या सेव हो जाती है। एंड वहां पे अगर आप जाओगे ठीक करना चाहोगे तो वो क्या है रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है। एंड वहां पे उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग में कुछ भी सामने नहीं आता है, अगर आपका सारी चीजें ठीक चली आती है तो वो रैंक वहीं पे बन जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहां पे मैन्युअली तरीके से वो पहले सिस्टम में फीड करते हैं कि हाँ इसका सारी चीजें ठीक है, फिर उसके बाद जो कंप्यूटर है वो अपने आप हमारे पास जो रैंक है वो निकाल के दे देगा आपका हैंड टू हैंड, ठीक है। तो इस प्रकार के ये प्रूवन वे है, एंड यही प्रूवन वे आप सभी का लास्ट ईयर भी काफी बच्चों का काम आया था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड रीजन, थर्ड चीजें बात है कि बात करें कि अगर देखो काफी बच्चों का इन दोनों में ही नाम नहीं आया, ना ही आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आया और ना ही यूएफएम वाले लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम आया, ठीक है, उस केसेस में उस बच्चों का जो है वो एलिजिबल ही नहीं हुए, उनकी आपकी जो है एग्जामिनेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ था, या तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो सकता है, और सेकंड स्टेप जो आपका 1/3 नंबर वाला था, ठीक है, 25-26% जो आपका था या 40% का कुछ आपका क्राइटेरिया था, ठीक है, 1/3 नंबर आपको पास करना था हर सेक्शन में, जो कि आपका पास नहीं हो पाया, इसके कारण की वजह से काफी बच्चों का यहाँ पे ये वाला रिजल्ट ही नहीं बना, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, ये तो सभी को पता ही होगा, इसलिए मैंने ये सारी चीजें नहीं बताई, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और ये सारी जो चीजें, ये जो प्रूवन वे है आप सभी को यार, ये प्रूवन वे आप सभी को अगर आप जाते हो कॉलेज में तो आपका आराम से हो जाएगा, वहां पे अगर बातचीत करोगे तो आराम से हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होगा द्वारका कैंपस में ही जाके, क्योंकि वो डीएसयू का मेन कैंपस है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थे इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते बाबा, टेक केयर। कोई और डाउट हो नीचे आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला ही रहेगा हमेशा के लिए, वहां पे कमेंट लिख देना। सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। बाय बाय। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सेकंड चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना, जो कि है एडियो गुरु, ठीक है, एडियो गुरु, वहां पे आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही होगी बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।